नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहां पर एक्स बताया जा रहा है कि प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद अब लगातार परिवार को धमकियां मिल रही है। ये बड़ी खबर पटना से, जहां पर मधेपुरा के मुरलीगंज में 11 अक्टूबर को एक बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने किसी काम से गई हुई थी कि यहां पर चार युवकों ने उसे अपने मंदिर से तभी अपने साथ बिठा दिया, तभी बाइक पर ले जाकर यहां पर एक सुनसान जगह पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले कोल्ड ड्रिंक में बताया जा रहा है कि दवा देकर इसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। फिर जानकारी में सामने आ रहा है कि इसके बाद दो आरोपी राजा और सुरन उसे घर पर छोड़ आए। ये मामला है आरोपी पुष्पराज और ज्योतिष का है, जो दोनों फरार हैं। जानकारी में सामने आ रहा है कि पहले उन्होंने दोस्ती की थी, लेकिन इसके बाद दोस्ती टूट जाने के बाद लगातार उस पर नजाय बन रखा था और यहां पर मंदिर जाने के दौरान बीच रास्ते में युवकों ने अपने साथ बिठा लिया और यहां पर चारों युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। शोषण के बाद से परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है। इनसे परेशान होकर पीड़ित ने मामला दर्ज कराया, जिसमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।